हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। डिस्कस करेंगे देवेंद्र फडणवीस के बारे में। राइट नाउ लाइमलाइट में है इलीगल पर्चिंग ऑफ रेमडेसिविर। ये एक मेडिसिन है, कोवैक्सीन है। इसके इलीगल पर्चिंग के लिए इनके ऊपर चार्ज लगे हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं, बेसिकली मामला क्या है। पहली बात तो पता होना चाहिए, हालांकि उन्होंने ये चार्जेस को नकारे हैं, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूज़पेपर आउटलेट्स ने भी इसको दिखाया है। बेसिकली तो अपोजिशन लीडर इस है महाराष्ट्र असेंबली के चीफ मिनिस्टर, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं श्री देवेंद्र फडणवीस। इनके ऊपर चार्ज लगे हैं कि इन्होंने रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है इसको इन्होंने परचेस किया है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो एक ड्रग फार्मा है जिनके ऑफिसियल्स को गिरफ्तार किया गया बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे एक मामला ये लगा कि क्यों आखिर ये क्या था। देखिए, ब्रग फार्मा के ऊपर चार्ज है कि यहाँ पे 60,000 रेमडेसिविर इंजेक्शंस को यहाँ पर बेसिकली उन्होंने परचेस किया है, जो कि परचेस करने का अधिकार केवल और केवल गवर्नमेंट के पास में है। जो कि आप लोग पता होना चाहिए 60,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और महाराष्ट्र सरकार के जो सीएम है इस समय उद्धव ठाकरे, उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि हमारे पास ये बहुत ही कम है, वी आर रनिंग शॉर्ट आउट, मतलब इनके पास ऐसी कमी है। लेकिन ऐसी कंडीशन पे वहाँ पे 60,000 इंजेक्शन पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। इस तरीके की पाइलिंग अप होती है तो डेफिनेटली जो आम आदमी है उसको ये बहुत आसानी से नहीं मिल पाता। शिवसेना स्पोक्स पर्सन जो है हर्षल प्रसाद, इन्होंने भी चार्ज लगाए हैं इनके ऊपर कि इसको इलीगल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और यहाँ बोला गया कोई प्राइवेट सर्जन जो है वो इसको प्रोक्योर कर ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे इसकी सेलिंग जो है ओनली अलाउड टू द गवर्नमेंट, इसको केवल और केवल गवर्नमेंट इसको खरीद सकती है। और देखा तो यहाँ पे वेली आम आदमी पार्टी की बात करें, इन्होंने प्रॉपरली इनके ऊपर चार्ज लगाए हैं कि ये बिल्कुल इलीगल है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ये चैरिटी काम के लिए इसको रजिस्टर, जो कि रजिस्टर नहीं है एक चैरिटी कमिश्नर के साथ में, वो बेसिकली इसको नहीं कर सकता, दे कैन नॉट परचेज दैट थिंग। यहाँ पे बाद में फडणवीस साहब ने अपने लिए बोला कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं है किया, इन्होंने पर्चिंग नहीं किया है बल्कि प्रोक्योर किया है। किसके लिए? महाराष्ट्र के लिए। अब देखिए, प्रोक्योर करने का अधिकार जो है, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चनेबल है कि प्रोक्योर करने का अधिकार, बिकॉज आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट के पार्ट में एक विधायक नहीं आते। बेसिकली गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट विल हैव टू डिसाइड, मतलब आप प्रोक्योर नहीं कर सकते ऐसा बेसिकली। हालांकि इन्होंने बुलाया कि हमने परचेज नहीं किया बल्कि प्रोक्योर किया है। अब यहाँ पर इसका मतलब तो यही बता पाएंगे कि बेसिकली प्रोक्योर कैसे कर रहे हैं, हाउ ही इज प्रोक्योरिंग दैट थिंग। प्रोक्योर का मतलब है इकट्ठा करना। तो इन्होंने बेसिकली बुलाया कि हमने खरीदा नहीं है बल्कि इकट्ठा किया है। अब कैसे इकट्ठा किया है तो यही बताएंगे। तो इन्होंने बुलाया कि हेरड दैट, ये जो अप्रूवल है इनको फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मिला है। एनीवे, मुंबई पुलिस ने हालांकि ब्रग फार्मा के जो अधिकारी हैं इनको गिरफ्तार किया था और इनसे पूछताछ कर रहे थे। इन्होंने 60,000 वायल्स ऑफ रेमडेसिविर इसको बेसिकली यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं कि प्रोक्योर कर रखा था, इकट्ठा कर रखा था। एनीवे, इसके बाद देखा तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामले हैं, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्रिएट होता है कि ऐसी कंडीशन में जब महाराष्ट्र के पास ऑलरेडी ऐसी वैक्सीन्स के, ऐसे इंजेक्शंस के काफ़ी शॉर्टेज हैं, ऐसी कंडीशन पे 60,000 रेमडेसिविर यदि वैक्सीन्स पाए जाते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि जो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए वो किसी एक पर्टिकुलर जगह से वो आपको मिल रही है। तो ये बड़े एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि क्या वहाँ पर शॉर्टेज जेन्युइन तरीके से नहीं हो रही है बल्कि इलीगल तरीके से वहाँ पे। बेसिकली यदि आप सारा ही खरीद लोगे मार्केट से तो ऑब्वियस बात है लोगों के पास शॉर्टेज जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। हालांकि यहाँ पे भी क्वेश्चन है, अभी ये डिसाइड करना होगा बेसिकली ये क्या किया है इन्होंने, ये इन्होंने परचेस किया है या इसको प्रोक्योर किया है। परचिंग प्रोक्योरमेंट ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है इसको केवल और केवल गवर्नमेंट परचेस कर सकती है। एनीवे, आपके ओपिनियन इसमें क्या है? राइट नाउ कोविड 19 के चलते हमारे देश में जो वैक्सीन्स हैं उसका काफ़ी शॉर्टेज है। इवनली बेड्स जो है देखा जाए तो बेड भी काफ़ी शॉर्टेज है, हॉस्पिटल्स में काफ़ी कमी पड़ी इसमें पाई जा रही है, चाहे वो कोई भी सिटीज हो, हर एक हॉस्पिटल्स देखा जाए तो ओवर ऑक्यूपाइड है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इसमें हालत काफ़ी ख़राब है। ऐसी कंडीशन में यदि किसी एक पर्टिकुलर जगह से इतने बड़ी मात्रा में यदि ये इंजेक्शन पाया है तो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है, और एक क्वेश्चन मार्क दोनों के लिए क्रिएट करता है, गवर्नमेंट के लिए भी और आम आदमियों के लिए भी। एनीवे, दैट्स ऑल फॉर नाउ। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, आपने ओपिनियन जरूर शेयर करेगा नीचे। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।